दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला का प्रणाम। मैं सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ एक नए शाम के साथ, क्योंकि अभी शाम ही हो रही है। तो अभी बज गए हैं 4:46 हो चुका है। तो आज हमारी ट्रेन 8 बजे की, तो हमने आज 11 बजे चेकआउट करना था। फिर बट हम लोग पूरे दिन भर कहाँ जाते, तो फिर हमने आज के लिए फिर से होटल ले लिया। लेकिन हम आज मतलब कल शाम को आ गए थे सरोजनी नगर और इंडिया गेट घूम के, तो हम कल से फिर होटल में ही हैं। आज हम कहीं नहीं गए क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, बहुत ज़्यादा। फिर बच्चों के साथ कल तो मेरा बहुत सर दर्द हो गया था ये भी। तो अभी ना होटल का स्टाफ आ गया तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। तो गाइज अभी हम निकलेंगे 5:30 या 6 बजे के टाइम पे निकलेंगे। हाँ, तो मैं तो रेडी हो गई हूँ। तो डी को रेडी करना है और सामान वामान सारा पैक हो चुका है, इसलिए मैं जल्दी से कपड़े पहन के बैठ गई थी। तो मैंने ये पहन लिया क्योंकि थोड़े कंफर्टेबल भी हैं, और फिर नाइट में जितने कंफर्टेबल कपड़े पहने उतना ज़्यादा सही है। तो मैं विदाउट मेकअप जाऊंगी क्योंकि ट्रेन में फिर रात जाके वहाँ पहुँचूँ, ये सब करूँ। तो अभी यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या 15 या 20 मिनट लगता है जाने में ऑटो से। तो बस चलते हैं अभी थोड़ी देर में, यहाँ से चेकआउट करते हैं, थोड़ा सा पेमेंट वगैरह बाकी रह गया वो करते हैं, और फिर मिलते हैं आपको सीधे रेलवे स्टेशन में। तो गाइस हम लोग आ गए हैं रेलवे स्टेशन, और हमें हो गया अभी आधा घंटा। अभी आधे घंटे बाद हमारे आने वाली है ट्रेन, और बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। नी तो सोई है और हसन गए चाय लेने के लिए, हम चाय पीते हैं, उसके बाद ट्रेन आएगी, ट्रेन आपको दिखाऊंगी। आज तो बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं, क्यों आपको बाद में बताऊंगी। आई हमारी चाय, इतना शोर हो रहा है कि सुनाई भी नहीं रहा होगा। जैसे मैं वीडियो बनाने लगी, हाँ ठंडी हो गई मेरी शक्ल भी, कैसे हो रही ना एकदम। तो जाके तो सोना ही है, और मैं अभी तक मेरा कैमरा इतना गंदा हो रहा था, और ये देखो कैसी हो रही चाय। स्मार्ट लगो आप, स्मार्ट पहाड़ी ठहरे हो, इसीलिए स्मार्ट हो। मैं भी तो पहाड़ी हूँ, आप कह नहीं सकते ऑन कैमरा। ये डॉगी आप चल। सो गाइज हम लोग बैठ चुके हैं अभी ट्रेन में, अभी आधे घंटे बाद चलेगी है। और मतलब सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आज हमें पहली बार हम फर्स्ट एसी में जा रहे हैं, सेकंड उसमें भी हमें कूपे मिला है, यानी कि बस ये हमारा एक पर्सनल रूम है जहाँ पे डोर है और बस दो बेड हैं, और बेड भी बहुत अच्छे हैं। ऊपर जाने के लिए यहाँ पे सीढ़ी है, तो हमारी बेटी जो है आराम से ऊपर नीचे चढ़ सकती है। एक बार दिखा दो सीढ़ियाँ, और यहाँ पे मिलता है हमको पिलो, बेडशीट और ब्लैंकेट, और ऐसे यहाँ पे ना कैबिन्स बने हुए हैं सारे। और तो हम लोग का है ई, ऐसे सारे कैबिन्स हैं, इसमें ना 4 बेड है, इस वाले में 4 बेड है। तो ऐसे ना जो फर्स्ट एसी होता है उसमें भी ये होता है कि किसी में 4 बेड्स मिलते हैं आपको, और ये कूपे जिनको कैबिन कहते हैं, और ये कूपे होते हैं जिसमें हमें 2 बेड मिलते हैं। तो आज हम जाएंगे इसमें एंजॉय करते हुए, और हमारे भोलू को भी ना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना भोला। किसी का आइसक्रीम, इसको जहाँ देखो आइसक्रीम की होती। क्या खा रहे हो आप, होटल से कुछ लेके आ जाएगा मुंह में। हाय करो सबको, चलो हेलो बोलो।
ये देखो आते शुरू। नींद आ रही? टेबल भी आ गया अभी तो। देखो डीग राजा आपका पिल्लो गए हैं, आपका पिल्लो गए हैं उपल। अच्छा वो किसका है फिर, वो ब्लू वाला किसका है? ये किसका है? तो गाइस हो चुकी है हमारी जर्नी स्टार्ट। हैप्पी जर्नी टू मोबाइल फिसल गया। तो अभी बज रहे हैं 8:30 और हम लोग निकल चुके हैं। अब हम पहुंचेंगे पूरे 36 घंटे में। 32 कभी कभी लग जाते 36 भी, अकॉर्डिंग टू मौसम है ना। तो 32 घंटे कम होते हैं। आज की रात, कल का दिन, कल की रात, परसों सुबह पहुंचेंगे। भाई साहब कैसा लग रहा है फिजाना, फर्स्ट एसी में, पहली बार कूपे में? कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है भाई साहब। मैंने आपको भाई साहब सुना। तो गाइस हम लोग ना डी बोर हो जाएंगे करके, उसके लिए घर से टॉय वगैरह लेके आए थे, उसके खेलने की चीजें लेके आए थे, और अभी वो उन्हीं चीजों को लगा रही है यहाँ पे, ABCD। और अब उसके ये दोनों बैठे ऊपर वाले कैबिन में, मैं नीचे वाले में हूँ। चलो लगाओ, तुम दोनों खेलो, खेलो करो। रबड़ी चाहिए तो ऐसी ना ये बोर भी नहीं होगी, और हमारा भी इसके साथ टाइम पास अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर फोन मांगती रहती है। अभी तो ट्रेन में नेट भी नहीं चलता इतना ज्यादा। वाटरमेलन छोटा उल्टा वैसे नहीं। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं सब लोग? और हम लोग अभी हो रहे हैं सुबह के 9:05। हम लोग पहुंचेंगे 1.5 घंटे में नागपुर, और इस इंसान ने मुंह छिपा दिया। बोल रहे हैं मैंने अभी मुंह नहीं धो रखा, अच्छा नहीं लग रहा हूँ। तो मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, और हो चुकी है मेरी 2 चाय और मस्त वाला। और पता है फर्स्ट एसी की एक और बहुत अच्छी बात है, इसमें ना जो वॉशरूम है वो बहुत अच्छे है, मतलब साफ एकदम, और वेस्टर्न वाले। अदरवाइज जो नॉर्मल यानी कि सेकंड थर्ड वाले वो होते हैं ना, बाथरूम बहुत गंदे होते हैं, अच्छी मन ही नहीं करता उनमें जाने का। और इसमें नहाने के लिए भी काफ़ी सही है, तो मतलब इसका काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा वो है, मतलब पैसा भी है बट सेटिस्फाई वाला है सब कुछ। तो अभी धूप आ चुकी है, अभी हमने नाश्ता नहीं किया। नाश्ता वाला सुबह से घूम रहा है, लेकिन हम लोग सोए थे तो हमने लिया नहीं, और फिर ये भी उड़ गया अभी खरबूज। तो अभी देखते हैं नाश्ता लेते हैं। तो नाश्ते में तो वही मिलते हैं, ब्रेड ऑमलेट। अच्छा मैं दिखाती हूँ, अब बोलो गुड मॉर्निंग जय। तो गाइस चलिए आपको एक बार यहाँ का व्यू दिखा देते हैं। और ये देखो यहाँ की हरियाली कितनी मस्त हो रखी है। वाह क्या मस्त है, बोलो यहाँ क्या मस्त है। वैसे ट्रेन में जर्नी करने का ना मजा ही कुछ और होता है। वैसे जितना अराउंड इतने में तो हम फ्लाइट में भी जा सकते हैं, लेकिन जो ट्रेन का मजा है ना वो कुछ अलग ही है। क्या बोलता है राजा? हाँ बोल यस। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नागपुर, मतलब जस्ट पहुंचने ही वाले हैं। अब तो मैं बोर हो गई हूँ यार। और वो देखो हमारे खाने पीने की चीजें वहां पे, जो छोटा सा कवर्ड है उसमें डाल रखा है हमने बहुत सारी चीजें, फ्रूट्स वगैरह। तो अभी हमारा हो गया है नाश्ता, ब्रेड ऑमलेट, और देखते हैं अब क्या खाएंगे, क्योंकि मन भी नहीं कर रहा तो खाने मेरा। तो चलिए हम आज के ब्लॉग को एंड भी करते हैं, फिर लंबा हो जाता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और बुरे कमेंट तो बिल्कुल मत करना। तो मिलते हैं अब सीधे वाइजाग जाके मिलेंगे, यानी कि विशाखापट्टनम जाके। तो अपने ब्लॉग को एंड करते हैं, अगर मन करेगा तो फिर से ब्लॉगिंग करेंगे, बट वो ये ना ट्रेन में बैठे बैठे क्या ब्लॉगिंग करें समझ में भी नहीं आ रहा है। बाय गाइस, लव यू ऑल।